नमोवा मित्रों, कल जो वीडियो था नमस्कार और नमस्ते में क्या अंतर है, तो इस पर चार माध्यमों पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और ट्विटर पर अलग अलग लोगों ने एक ही प्रश्न पूछा। ऐसे और भी कुछ टिप्पणियां आई, प्रश्न आए, पर एक प्रश्न सब माध्यमों पर आया, वो ये था प्रणाम और नमस्कार में क्या अंतर है। तो नमस्कार क्या है और प्रणाम क्या है, तो आज इसका उत्तर देते हैं। जो दोनों शब्द हैं नमस्कार और प्रणाम, इनके मूल में एक ही धातु है। जो नमस्कार शब्द है, पहले इसको देखते हैं, तो एक धातु है नम। नम का अर्थ है झुकना, प्रणाम करना। मेरे पास ये आपटे का संस्कृत हिंदी कोश है और इसमें हम देखते हैं नम धातु का क्या अर्थ है। तो नम धातु का अर्थ इन्होंने दिया है झुकना, नमस्कार करना, अभिवादन करना। तो देखिए यहाँ लिखा है नमस्कार करना, नमस्ते करना नहीं, क्योंकि नमस्ते वाक्य है, वाक्य हम बोलते हैं, करते नहीं हैं, हम क्रिया करते हैं, तो नमस्कार करना। तो इससे बनता है शब्द नमति, अर्थात नमस्कार करता है, झुकता है, अभिवादन करता है। इसी प्रकार नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ, मैं झुकता हूँ। तो नमामि शब्द आपने सुना होगा मानस में, अत्रि की स्तुति में, नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम, नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम। यह स्तुति पंडित शनुलाल मिश्र जी ने बहुत अच्छी गाई है, आप YouTube पर ढूंढकर इसको सुन सकते हैं। तो नमति, नमामि, और इसी नम धातु से शब्द बनता है नमस। असुन प्रत्यय जोड़कर, उणादि प्रत्यय है असुन, जो सभी धातुओं से लगता है। तो नमस का अर्थ है नमन की क्रिया, और नमस में हम कार जब जोड़ते हैं तो वह है कार जब क्री धातु अर्थात करना, तो नमस्कार अर्थात नमन करना, नमन करने की क्रिया। तो यह है नमस्कार। अब हम चलते हैं प्रणाम इस शब्द पे। रोचक बात यह है, प्रणाम शब्द भी नम धातु से ही आता है, नम धातु में प्र उपसर्ग जुड़ा है। तो नमनम नामः, प्रकृष्टम नमनम प्रणामः, यद्वा प्रकर्षेण नमनम प्रणामः। तो नम धातु से नाम शब्द बनता है अकारांत। जो नाम हम लोगों के नाम है, मेरा नाम नित्यानंद है, वह नाम शब्द नकारांत है, पर एक और शब्द है अकारांत नाम, और उसमें जब प्र उपसर्ग जोड़ते हैं तो बनता है प्रणाम। तो प्रणाम का क्या अर्थ है? जब प्र उपसर्ग जो है बहुधा अधिकांश स्थानों पर, प्र उपसर्ग का अर्थ होता है प्रकर्ष, उत्कर्ष, किसी भी क्रिया को बढ़ चढ़ के करना, किसी भी क्रिया को बहुत अच्छे से करना, तो प्र उपसर्ग यह बताता है। तो आइए अब हम प्र उपसर्ग और नम धातु का आपटे के कोश में, इसी कोश में अर्थ देखते हैं। तो आपटे के कोश के अनुसार प्र उपसर्ग के पश्चात जब नम धातु आती है तो उसका अर्थ है प्रणमति, अर्थ दिया है नमस्कार करना, अभिवादन करना, विनम्र प्रणति करना। तो यहां इन्होंने विनम्र प्रणति करना, वही बढ़ चढ़कर अच्छे से करना, वह अर्थ दिया है। और साधारण अर्थ तो है ही, नमस्कार करना, अभिवादन करना, यह है प्र और नम धातु का अर्थ। प्र उपसर्ग से नम धातु जब जोड़ती है तो उसका अर्थ। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्रणाम जो है इसका अर्थ है विनम्र अथवा बहुत अच्छे से प्रणाम करना, बहुत भाव से प्रणाम करना, बहुत श्रद्धा अथवा भक्ति से प्रणाम करना। और इसी कारण से जो शब्द कल्पद्रुमः कोश है, इसमें प्रणाम शब्द की क्या व्याख्या दी गई है? श्रद्धा भक्ति, इसके अतिशय से जो प्रणाम होता है, जो नमस्कार होता है, उसको कहते हैं प्रणाम। तो वहां कहा गया है भक्ति श्रद्धातिशय कृत नमस्कार प्रणाम, भक्ति और श्रद्धा के अतिशय से जो नमस्कार होता है उसको प्रणाम कहते हैं। तो प्रणाम शब्द का ऐसे तो साधारण अर्थ नमन भी है, परंतु एक विशेष अर्थ है बहुत विनम्रता से, बहुत श्रद्धा से, बहुत बहुत भक्ति से नमस्कार करना। तो ये है नमस्कार और प्रणाम का भेद। नमो वः।